यशोमती मैया के नंदलाला। जिसके सामने माया जाल फोड़ने का प्रयास कर रहे हो, ये माया के स्वामी है। ये मायाधर विष्णु है ये। अच्छा तो होते रहे, मैं तो इनकी हत्या करने आया हूँ और हत्या करके ही जाऊंगा। जाओ आप सखाओं को बचाओ, मैं इनका सामना कर लूंगा। पर काना, अभी आप ही ने तो कहा था माया का स्वामी हूँ मैं। ये तो मथुरा का व्यापारी है, इसको अर्थ वो जो था वो सच में छलिया हो तो कहीं वो नंदमोहन तो ना पहुंच गया। हमें शीघ्र ही गांव जानो पड़ेगो और सबको सावधान करना पड़ेगो। चल यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरे छल के वार से बच गए हो तो मुझसे भी बच जाओगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कृष्ण। मेरे पास बहुत सारे मायावी अस्त्र हैं, जो क्षण भर में ही तुम्हें विष्णु लोक पहुंचा देंगे। फिर प्रतीक्षा क्यों कर रहा है? बालक, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है, अभी तो कह रहा हूँ सिग्नल दिखाओ ना। मुझे तुम्हारे सारे मायावी अस्त्र देखने हैं। कैसे बालक हो तुम? मैं यहाँ खेल दिखाने नहीं आया हूँ। तो समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो ब्रह्मासुर? जो करने आयो वो ही करो ना। अब देखो कैसे तुम्हारे प्राण एक ही वार में इस देह का साथ छोड़कर उड़ जाएंगे। मेरी मायावी अग्नि तुम्हारे भोले भाले से इस मुख को जलाकर भस्म कर देगी। बोला बाला तो दिखता हूँ मैं, मैया भी यही कहती है। उपहार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मासुर। बहुत समय से खड़े खड़े थक गया था मैं। तुम्हारी यही जिज्ञासा आज तुम्हारा अंत करने में सहायक बनेगी मूर्ख बालक। क्यों नहीं बताया? मुस्कुराना बंद करो।
तुम्हारी ये हंसी मुझे कांटों की तरह चुभ रही है। पर मैया तो कहती है कि मेरी मुस्कुराहट फूलों की तरह है। शालन कर रहे हो और अब फूल भी चढ़ा दिया है। तुम मुझ पे वार करने आए हो कि पूजा करने? तुम्हारी पूजा तो मैं अब ऐसी करूंगा कि तुम मृत्यु के बाद भी मुझे भूल नहीं पाओगे बालक। अभी कंदरा के अंदर कुछ क्षणों में ही प्राण वायु समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे सारे सखा एक एक कर अपने प्राण त्याग देंगे और तुम्हारा वध करूंगा मैं। अरे सज्जन बच के रहना। छलिया आया हुआ है वृंदावन में। अरे छलिया क्यों है? अरे क्या होगा, कौन छलिया? माया भी छलिया, सबको छलता है वो। हाँ कुछ भी कर सके है वो, बहुत भयानक। अरे भानु ठहर जरा, क्या हुआ? बहुत भयानक है वो, बच के रहना सब लोग। अरे भेष बदल ले तो है वो। हाँ छलिया है वो। अरे मेरी बात तो बताओ। रानी भाभी, रानी भाभी, कान्हा घर पर ही है ना? ऐसे भड़बड़ा क्यों रहे हो, कोई भूत देख लियो है क्या? भूत ना भाभी, छलिया से भेंट हो गई। सच्ची का माया भी छलिया है भाभी? क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो, ठीक से बताओ। अब बोलो भी। वो कान्हा के पीछे पड़ो है वो। मेरे लल्ला के पीछे? हाँ रानी भाभी, हमारे अचेत होने से पहले हमने उसे जय कहते सुना था कि वो वृंदावन आने वाला है कान्हा से मिलने। हे नारायण, मेरे कान्हा की रक्षा करना। जसोदा जी, जी मायावी छलिए से बचना बालकों के बस की बात ना है। जी जी, बालक वन में अकेले हैं। यदि मैं माया का स्वामी हूँ तो आप भी बल के स्वामी हो। ताऊ अपनी क्षमता अपना सामर्थ्य स्मरण करो। इससे पहले कि वो कंदरा का द्वार खोल के तुम्हारे सखाओं को बाहर निकाले, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा कृष्ण। Yeah.
करोगे ब्रह्मासुर? प्रभु तो खेल खिला रहे हैं इससे, और ये खेले जा रहा है विवश होकर, उनकी माया से बाध्य होकर। जो प्रभु के सामने माया करने आया था, वो स्वयं को ही माया में उलझा हुआ पा रहा है। नारायण नारायण। लो अब तो तुमने दंडवत प्रणाम भी कर लिया, माया भी कथा भी उपहार में दे दी। तुम चाहते क्या हो ब्रह्मासुर? मेरी शरण में आना है क्या? सोच विचार का समय ना है हमारे पास। अपने बालकों की रक्षा के लिए इसी क्षण में निकलना होगा, और वो छलिया किसी का भी रूप धारण कर सकते है। सुलक्षणा तेरा, शांति तेरा या मेरा, किसी का भी रूप धारण करके हमें भ्रमित कर सकते हो। इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। समझ आई? चलो। अभी भी समय है रामासुर, समय लाओ। यदि मैया आ गई तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मुझे दूध का कोई लाभ नहीं होगा ब्रह्मासुर, स्मरण करो तुम कौन हो। मायासुर का पुत्र हूँ मैं, अपने स्वामी महाराज कंस का सेवक हूँ, और तुम्हारा हूँ मैं कौन? बाबा कहते हैं दुष्टों को पहले बातों से समझाना चाहिए, फिर भी ना माने तो अस्त्र ना उठाना कायरता होती है। Oh!
पता था मुझे अपने बाबा के स्वरूप को हानि नहीं पहुंचाओगे। सही कही तुमने, पिता की छवि ही पिता के समान भी अनन्य होती है। ब्रह्मासुर, ब्रह्मासुर। ये मैं अपने वास्तविक रूप में कैसे आ गया? मेरे बाबा का स्वरूप नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। मैया ने सिखाया है भूल को क्षमा किया जा सकता है, पर जानबूझ के किए गए अपराध के लिए दंड ही एकमात्र निकाल होता है। ये बार बार अपनी मैया का नाम ले रहा है, यदि मैं वो स्वरूप लूं तो अपनी मैया पर वार नहीं कर पाएगा ये। लल्ला, मैं तेरी मैया हूं, अपनी मैया को मारेगा? बच गया। समझाया था, समझाया था, पर तुमने एक बार फिर से मूर्खता करी दी। इस पर तुमने पहले से भी बड़ी और पहले से भी भयंकर भूल किया हुआ महसूस। ये क्या हो रहा है मुझे? बार बार मेरा रूप क्यों बदल रहा है? ममता को समझे बिना अधिक समय तक मैया का स्वरूप हरण करके नहीं रख पाओगे मामा सुन। के क्रोध से धरती भी कांपने लगी है। पुत्र को मारने के उद्देश्य से एक माँ का रूप लिया तुमने। ये ममता का और मेरी मैया का घोर अपमान है। रमासुर, इससे पहले इस असुर के कारण निर्दोष प्राणियों का कोई अहित हो, मुझे कुछ करना होगा। यदि मैं माया का स्वामी हूँ तो आप भी बल के स्वामी हो। दाऊ, अपनी क्षमता अपना सामर्थ्य स्मरण करो। अद्भुत बल दाऊ, अद्भुत। अपने बल का उचित प्रयोग करके आपने प्राणियों को हानि होने से बचा लिया और यह भी सिद्ध कर दिया कि इस युग में आपसे अधिक बलवान और कोई नहीं होगा। आज से आप बलदेव के नाम से भी जाने जाएंगे। आपके चरणों का यह चिन्ह युगों युगों तक आपके बल की कथा कहता रहेगा। बलराम का चरण चिन्ह। ले
मेरी माया से आज तक कोई नहीं बच पाया है। एक बार मुझे छोड़ कर देखो, फिर पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। पहले ये तो देख लो कि मैं कौन हूँ।